नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। और अपने साथ में लगातार शुरू से काफी समय से बहुत सक्रिय युवा मोर्चा के नगर नीतीश जी का पत्ता मोदी जी 2014 से 2017 से योगी जी आए और दोनों लोगों को जनता ने दोबारा से मौका दिया, तो कहीं ना कहीं कोई कारण तो है जो दोबारा से मौका दिया और निरंतर चीज़ों में सुधार करने का काम सरकार कर रही है और इस पर वो पूरी तरह से अड़ी रहेगी। जहाँ कहीं कोई गड़बड़ी है उसको निश्चित रूप से सुधार करने का काम। लेकिन कहा जा रहा है कि राशन के मुद्दे पे ही जो है सरकार बनी है, तो राशन के मुद्दे पे ही दोबारा सरकार बनी, इस तरह कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा कहा जा रहा होगा, हम तो केवल राशन के मुद्दे पर। भाई कोरोना आया, इन दो वर्षों में जहाँ आवश्यक थी तो वहाँ फ्री में राशन दिया गया उन लोगों को जो पात्र निश्चित रूप से, जिनको आवश्यकता थी उनको निश्चित रूप से दिया गया। अब इसमें कहीं 1% कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो हम उसके लिए कोई गड़बड़ी हुई है उसके सुधार के लिए हमारी मंशा है, हम उसके लिए तत्पर हैं। नहीं, क्यों होगा नुकसान? अच्छी मंशा से किया हुआ काम हमारा है तो उससे कोई नुकसान नहीं। जिन लोगों को राशन मिला था अब वो सरेंडर करना पड़ रहा है और जो लोग नहीं कर पा रहे होंगे उनसे रिकवरी होगी इस तरह की? देखिए, जो लोग पात्र नहीं हैं तो सरकार की नीतियां हैं तो उनके हिसाब से तो हम लोगों काम करना। वोट तो नहीं दिया सर, जो पात्र नहीं ना, इसमें वोट देने और ना देने की बात नहीं। आज राशन कार्ड सरेंडर कराया जा रहा है? नहीं, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया और अगर वो पात्र हैं तो हम उनको भी तो दे रहे हैं ना। और जिन्होंने नहीं दिया तो दे, अगर वो पात्र है तो दूसरी वोट का इसमें कोई सवाल नहीं। अभी आप नगर में आए, नगर में आपने भ्रमण किया होगा, तो किस तरह की स्थिति आपको देखने की? अब नगर में मैं तो एकांत में ही अभी घूमा, आया ब्लॉक में, आया ब्लॉक से सीधे आया हूँ। अब मुझे लगता है कि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है और नगर में थोड़ी गतिविधि और सब कुछ देख रही है। देखिए, ये काम जो है ये संगठन के लोगों का है। अब पार्टी इसमें अभी रिजर्वेशन तो पार्टी के लोग बनाते हैं, अभी डॉक्टर साहब कहते हैं पार्टी के लोगों ने लड़ाया, वरना महाराज से अकेले कहा रह सकता। विधायक जी, एक बात और जानना चाहेंगे, आज क्षेत्र पंचायत की जो मीटिंग थी किन मुद्दों पे बात हुई? इसमें सरकार की जो वो पिछले दिनों में क्या क्या काम हुआ, एक समीक्षात्मक बैठक की और आगे की योजनाएं क्या रहेंगे, कैसे हम काम करेंगे, ये तय हुआ। थैंक यू। क्या कोई मीटिंग है या फिर मिलने के लिए आए? आज यहाँ क्षेत्र पंचायत नवाबगंज की बैठक की, उसी में मेरा आना हुआ है और अभी हम आदरणीय एक सवाल मेरा और है, यहाँ पे नगर में एक व्यापारियों में काफी खलबली मची हुई है, जो कि यहाँ काफी पुराना बाजार है उसको लेकर कुछ महिलाएं धरने पे बैठी हुई है, तो क्या वहाँ पर पहुँचना हुआ था? जिस तरीके से पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, गरीब के हितों में काम कर रहे हैं, क्या पत्रकारों के लिए भी कोई ऐसी योजना आएगी जिससे पत्रकारों का भला होगा? आप ये बात कहिए तो हम लोग, अब सदन चलेगा 23 तारीख से, उसमें इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई सर। आवाज आपने उठाई है तो हम लोग वहाँ उठाएंगे, उम्मीद रख सकते हैं। कल निश्चित रूप से आप कुछ लिख के दीजिए कि भाई पत्रकारों के लिए हम किस तरह की योजना आप चाहते हैं, तो उसको हम हैं डॉक्टर साहब हैं, दोनों लोग हैं ये, और आप तो दोनों अलग अलग सदन के हैं, दोनों सदनों में आपकी बात बहुत बड़ी। सवाल मेरा और है, जिस तरह से राशन पात्र अपात्र को लेकर जो कहा जा रहा है, तो कुछ लोगों में अभी भी भ्रम बना हुआ है कि पात्र और अपात्र को,
लेकिन इसमें जो गाइडलाइन आई सरकार की तरफ से, और किसी केवल राशन की ही बात नहीं है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, जितनी भी योजनाएं हैं, तो उसमें जो पात्र हैं, जो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जो पात्र होंगे, उनको निश्चित रूप से सरकार की जितनी योजनाएं उन सबका लाभ मिलेगा। और जो पात्र नहीं है वास्तविक रूप में, तो फिर उनको लाभ क्यों मिलेगा? हमारा से अगर किसी चीज़ के पात्र नहीं है तो उनको लाभ क्यों मिलेगा? हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।